अमेजोन पर शॉपिंग करी है आपने कभी? बिल्कुल करी होगी शॉपिंग आप सबने, आप सब बड़े आदमी, रईस आदमी, आप सबने अमेजोन पर शॉपिंग करी होगी। पर यहाँ पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक मौका, क्योंकि मौका है आपको अमेजोन में जॉब करने का, अमेजोन में जॉब करने का। और सारी जॉब जो है वो है वर्क फ्रॉम होम, सारी ऑफिस सारी जॉब क्या है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है। अगर आपके पास लैपटॉप है और नेट कनेक्शन है और आप में दम है, दम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर टेस्ट होंगे चार, चार टेस्ट होंगे, चार इंग्लिश के होंगे। एक होगा इंग्लिश प्रपोजिशन का, इंग्लिश टाइपिंग का, इंग्लिश लिसनिंग स्किल और इंग्लिश टाइपिंग स्किल्स। जहाँ बताना चाहूँगा आपको जितने भी टेस्ट होंगे उन टेस्टों के बारे में और इस जॉब के बारे में, तो जितने भी लोगों को लगता है कि उनकी इंग्लिश अच्छी है और वो अमेज़ॉन पर करना चाहते हैं जॉब, तो इस वीडियो को देखें और इसको अप्लाई करें ताकि उनको अमेज़ॉन पर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन मिल जाए। और जो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन है वो हमेशा के लिए, मीन्स आपको लाइफ टाइम मिलेगा वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अप्लाई कीजिए इस अमेज़ॉन की जॉब को। सबसे पहले गूगल पर जाएंगे, गूगल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा अमेज़ॉन कैरियर। देखिए ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सारी जितनी भी हैं ये सब वर्क फ्रॉम होम है और हमेशा के लिए। सो आप यहाँ पर लिखेंगे अमेज़ॉन करियर्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आप आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए लिखा है अमेज़ॉन जॉब, फाइंड जॉब कैटेगरी साइन इन। सो यहाँ पर देखिए जितने भी चीज़ें हैं सर्च या फिर जो भी करना है आपको, तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर जाके यहाँ पर क्लिक करेंगे अमेज़ॉन जॉब्स पे। देन जो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, देखिए इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा, फाइंड जॉब, सर्च लोकेशन और नाउ हायरिंग फुल एंड पार्ट टाइम फुलफिलमेंट डिलीवरी पोजीशन इन द US। सो यहाँ पे आपको US के नहीं है, आपको यहाँ पे अपनी देखनी है। तो यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं, ओपन भी जॉब्स हैं जो वहाँ पे आपको अप्लाई कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा एक इंटरफेस, होम, लोकेशन, कैटेगरीज। एग्जांपल तौर पे अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने यहाँ पर लोकेशन के लिए मैंने डाल दिया यहाँ पर लखनऊ, लखनऊ डालेंगे आप तो देखिए आपको कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पर दिखेंगी। तो फिल्टर VCS वर्चुअल कस्टमर सर्विस एसोसिएट लखनऊ, SDS ग्रुप मैनेजर UP। जितनी भी ये पोस्ट है इन स्पाइट ऑफ द लोकेशन दीज ऑल जॉब्स आर बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस एंड ऑलवेज लोकेशन कोई भी ऊपर सारी जॉब्स जो है वर्क फ्रॉम होम है। अगर बात की जाए यहाँ पर आपको अप्लाई करने की, तो अप्लाई करने के लिए आपको जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नोएडा के लिए क्लिक करा और नोएडा के लिए मैं क्लिक करूँगा तो मुझसे यहाँ पर बोलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ के लिए मुझे यहाँ पर देखिए मैंने अप्लाई नाउ के लिए अप्लाई करा, उसके बाद मुझसे यहाँ पूछेगा कि भाई आपका लॉगिन ID और पासवर्ड क्या है। तो देखिए इसको यहाँ पर जब क्लिक करा है तो यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, तो उसका वेट करते हैं नए इंटरफेस का। नए इंटरफेस खुलने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जो भी लिखा है यहाँ पर लिखा है रजिस्टर हेयर। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके यहाँ पर इसको बना सकते हैं इस ID को या फिर रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए मेरी यहाँ पर ईमेल ID पहले से पड़ी हुई है और मैं बना चुका हूँ इसको, आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा वरना आप करेंगे रजिस्टर हेयर। सारी जॉब अभी फ़िलहाल ये वर्क फ्रॉम होम है और हमेशा के लिए, लोकेशन कोई भी हो। देखिए यहाँ लिखा अप्लाई, मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ पर लिखा है डिजिटल एंड डिवाइस टेक्निकल सपोर्ट हैदराबाद। तो ये जो इसके जो भी इनके रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दिया है कि इनको क्या चाहिए उस बंदे में इसको ये हायर करेंगे। तो बता रहे कस्टमर एक्सलेंट कस्टमर सर्विस स्किल होना चाहिए इंक्लूडिंग मेंटेनेंस फोकस ऑन द सर्विस ऑन द कस्टमर इशूज इन अ फेस्ड पेस्ड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर ये इनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल एप्टीट्यूड भी उसको आना चाहिए, मीन्स कुछ चीज़ें जो उसको आना चाहिए, और कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए इनको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर 10+2+PG है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको अप्लाई करूँगा तो कैसे आपको सामने इंटरफेस आएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है आई एक्सेप्ट करना है यहाँ पर और कंटिन्यू कर देना है। जब आप आई एक्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा जहाँ पर आपको अपने रिज्यूम अपडेट करना होगा और साथ में आपको अपने बारे में डिटेल्स अपडेट करेंगे। देखिए लिखा है डिजिटल जो भी है, देखिए यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जनरल क्वेश्चन, टेल अस अबाउट योर सेल्फ और डाइवर्सिफाई असेसमेंट एंड रिव्यू एंड सबमिट। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम पता भरना है। सारा नाम पता भरने के बाद जब आप इसे बढ़ते जाएंगे तो सारे ये जितने स्टेप है, जनरल क्वेश्चंस कुछ आएंगे, फिर टेल अस अबाउट योर सेल्फ आएगा, एक डाइवर्सिफाई आएगा और देन असेसमेंट होगा। असेसमेंट की बात अगर की जाए यहाँ पर असेसमेंट तीन, यहाँ पर आपके चार पेपर होंगे। चार पेपर में क्या होगा, पहला आपसे पूछेंगे अमेज़ॉन के बारे में जनरल नॉलेज, देन उसके बाद में पूछेंगे आपसे इंग्लिश, और इंग्लिश में आपका पहला टेस्ट होगा यहाँ पर इंग्लिश में, जिसमें सिंपली आपको कुछ idiom फ्रेज दिए होंगे और कुछ प्रीपोजिशंस दिए होंगे, मीन्स आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स चेक करी जाएंगी, क्योंकि सारी जो भी जॉब्स हैं उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश है। उसके बाद में उस असेसमेंट को देने के बाद आप यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट कर सकते हैं। और इस असेसमेंट में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये आप मोबाइल से नहीं कर सकते। आप फॉर्म भले ही भर सकते हैं मोबाइल से, पर आप जो असेसमेंट है वो मोबाइल से बिल्कुल नहीं दे सकते। आप उसके लिए आपको लैपटॉप या फिर PC का यूज़ करना चाहिए, करना ही है। और साथ में यहाँ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है उस लैपटॉप या PC की, वो ये है कि उसमें कैमकॉर्ड हो और वाईफाई कनेक्शन हो, क्योंकि वहाँ पर जब आप उसको करेंगे ओपन तो वो स्क्रीन लॉक हो जाएगी और सिर्फ आप असेसमेंट दे पाएंगे, आप कहीं भी कुछ भी देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए इनको कैमकॉर्ड और बाकी चीज़ें ज़रूर चाहिए, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर एक और बताना चाहूँगा मैं आपको, यहाँ पर एक टेस्ट होता है
यहाँ पर जैसे एक टेस्ट होगा आपका इंग्लिश स्किल्स का, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबल टेस्ट। तो सिलेबल टेस्ट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोनंसिएशन टेस्ट होता है। मीन्स यहाँ पर आपको एक वॉइस सुनाई देगी, इसलिए जब भी आप लैपटॉप में देंगे तो आपको वहाँ पर एक हैंड फ्री या फिर एक अपना हेडफोन होना अनिवार्य है और एक कैमकॉर्ड चलना अनिवार्य है। कुछ आवाज़ सुनाई देगी आपको इंग्लिश में, एक सेंटेंस सुनाई देगा, आपको उसको रिपीट करना होगा। मीन्स एसेंट चेक होगा इंग्लिश का कि आप इंग्लिश में कितना इनहेंस है, कितना स्किल्ड है, आपका स्किल्स चेक होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तो पर मैंने आपसे कहा सो व्हाट आर यू डूइंग, सो बेसिकली यू हैव टू रिपीट दिस, आपको रिपीट करना होगा कि व्हाट आर यू डूइंग। तो इस टाइप का एक टेस्ट होगा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेबल टेस्ट। तो उस टेस्ट को भी जब आप पास कर लेंगे तो उसके बाद में आप यहाँ पर रिव्यू और सबमिट कर देंगे। सारी एप्लीकेशन का जो डिटेल है वो ऐसे ही आपको फिल करना है। यहाँ पर आपने वीडियो को देखा होगा पूरा, समझोगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोर्टल पर जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। साथ साथ में मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं जो कि सेडकॉस कंपनी का है, ई रिक्रूटमेंट ड्राइव का है, और इसके अलावा जो कि आपको NSCS का है। तो आप इन सबको जाकर देख सकते हैं, साथ में KYC वाला भी पड़ा है वहाँ पर, उस भी देख सकते हैं और जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।